हाय फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं भानुप्रिया और आपके लिए लेके आ गई हूं 2023 का फर्स्ट यूनिवर्स का मैसेज या गाइडेंस इस साल के लिए स्पेशली आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है यूनिवर्स का रिगार्डिंग एनी ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स या मैनिफेस्टेशन या एनी सिचुएशन जो भी सिचुएशन को ले के, सोच के याद करके आप इस वीडियो को देख रहे हो उस सिचुएशन के रिगार्डिंग इस साल में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं लेके आ गई हूं तो ज्यादा डिले किए बिना फटाफट पत से स्टार्ट करते हैं हर गाइडेंस वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको क्या करना है आंख बंद करके एक बार यूनिवर्स को प्रे करो कि जो भी मेरी ये सिचुएशन है स्टक सिचुएशन है मैनिफेस्टेशन है प्रॉब्लम है या जो भी एरिया है हेल्थ करियर रिलेशनशिप जिसके बारे में मुझे इस साल में कुछ रिजल्ट चाहिए कुछ पॉजिटिविटी चाहिए कुछ आउटकम चाहिए उसके लिए आप मुझे क्या गाइड कर रहे हो क्या सोल्यूशन दे रहे हो प्लीज प्लीज मुझे इस वीडियो के थ्रू बताइए एंड मैं भी प्रे कर लेती हूँ टू द यूनिवर्स एंड ऑल द गाइडिंग एंड हेल्पिंग एंजल्स प्लीज मुझे और इस वीडियो को एक मीडियम बना के जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है सॉल्यूशंस या आंसर्स के लिए प्लीज उनको गाइडेंस सोल्यूशन मैसेज या आंसर इस वीडियो के थ्रू दीजिए आई थैंक यू इन फोर फेथ लेट्स पेज नंबर खुला है फोर्टी सिक्स जिसका टॉपिक है कॉल ऑन कंपैशन देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए the pathway to healing old wounds is through honoring yourself for all that you have been through acknowledging the conditioning that you have experienced and compassionately loving yourself back to peace compassion is antidote to anger resentment and fear okay jovi video they cry 100% वो लोग कोई एक ऐसी चीज है जिससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं कोई एक चीज़ है जिसने उनको 2022 में बहुत परेशान किया है बहुत हर्ट किया है एंड अब वो चाहते हैं कि अब वो चीज़ 2023 में मेरे साथ ना हो वो चीज़ बस पीछे रह जाए एंड मैं उस ओल्ड वोन्स जो भी हर्ट आपको हुआ था जो भी तकलीफ आपको मिली थी उससे पीसफुली बाहर आ सकूं, हील हो सकूं। तो इफ दैट इज द केस देन कमेंट डाउन एंड

कि आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने का एक्सेल करने का कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करने का सक्सेस होने का ये सब चीज का आप खुद के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो जब आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे जब लाइफ वैसी नहीं बन रही जैसी आप चाहते हैं तो आप खुद को इतना यू नो पुट डाउन कर देते हो कि यार आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग मैंने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में आप खुद के साथ सेल्फ टॉक इतना बुरा इतना नेगेटिव करते हो कि वो आपके जो पुराने घाव है उसको हील करने की जगह और ज्यादा उसके ऊपर नमक डाल देता है तो इट्स हाई टाइम कि आप खुद के साथ कंपैशनेटली करुणा के साथ प्रेम के साथ डील करें कि आप जब खुद से बात करें तो वो ऐसी हो जैसे कि आप छोटे बच्चे से करते हैं अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो अगर कोई छोटे बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है या तो वो गिर जाता है या उससे कुछ टूट जाता है तो हम उसको ये बोलते हैं ना अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो गया ना छोटा सा ही था इट्स ओके कुछ लगा ही नहीं है वी ट्राई टू बूस्ट इज मोरल हम उसको और प्रेशराइज नहीं करते वो बेचारे दो साल के बच्चे को जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अरे ये क्या कर दिया कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको चाटा लगाएगा और गुस्सा करेगा कि ये क्या कर दिया उसको बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो जैसा हम उस इनोसेंट चाइल्ड के साथ ट्रीट करते हैं यूनिवर्स आपको अपने साथ वैसा ही ट्रीट करने को कह रहे हैं कि उतना ही प्रेम उतना ही कंपैशन के साथ कि कोई बात नहीं यार जितना आपने अभी तक अपनी लाइफ में ग्रो किया दैट्स ओके बी प्राउड ऑफ इट बी ओके विथ वट एवर यू हैव डन विथ योर लाइफ एंड खुद को और घाव नहीं देने हैं हील करना है द फियर कम्स फ्रॉम अ बिलीफ दैट आई एम नॉट गुड इनफ Upon realizing these feelings, I compassionately guide myself back to self-love. I say things to myself like, Gabs, you are back in that old belief system again. These stories are so painful, and I honor you for how you feel. I understand how tough it must be to go through this. I have so much compassion for where you are in this moment. It's safe to feel these things. I love you. Up jesa biyabi हर्टफुल पेन में गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में सबसे पहले खुद को उन फीलिंग्स के लिए प्रेशर करना बंद करो कि वाई आर यू फीलिंग दिस वे तुम कितना भी कोशिश करो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं सोच सकते खुद के ऊपर वो प्रेशर डालना बंद करो खुद को इट्स ओके okay बोलना स्टार्ट करो खुद से ऐसे बात करो जैसे ये बुक की ऑथर गैब्रियल बात कर रही है कि आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत पेन में हो इतनी कोशिश करने के बाद भी वीन यू आर नॉट एबल टू मेक इट टू दैट इंटरव्यू वेन यू आर नॉट एबल टू पास दैट एग्जाम वीन यू आर नॉट एबल टू मैनिफेज दैट लव तो इट हर्ट्स एंड इट्स ओके टू फील बैड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड लो एंड एग्री बट नाउ इट्स टाइम टू हील फ्रॉम दैट वंड उस दर्द से बाहर आने का हील करने का टाइम है एंड आई आई लव यू यू एम देयर फॉर खुद से इस तरीके से बात करनी है खुद को और ऐसा नहीं बोलना है इतना लाइफ खराब हो गया इतना लाइफ खराब हो गया नहीं करना है आज का गाइडेंस यूनिवर्स का आपके लिए यही है कि आपको खुद से प्रेम करना है सेल्फ लव की कमी है कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर सोसाइटी की वजह से या दूसरों के ओपिनियंस की वजह से या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से इतना प्रेशर डाल रहे हो कि आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे एंड अनटिल एंड अनलेस यू लव योर सेल्फ यू के नॉट गिव दैट लव टू अदर्स हम दूसरों को वही दे सकते हैं ना जो हमारे पास है तो हमारे पास खुद के लिए प्रेम ही नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे और दूसरे की तो बात ही छोड़ो खुद के लिए सेल्फिशली भी सोचो अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना है लाइफ में तो उसकी तो नींव ही शुरुआत ही गुड फीलिंग्स एंड लव वाली वाइब्रेशन से होती है वो नहीं होगा तो कैसे कुछ भी मैनिफेस्ट होगा सो मैसेज फॉर यू एक्चुअली नॉट टूडेज इस पूरे साल के लिए आपके लिए मैसेज यही है कि वो पास्ट ओल्ड हर्ट और वुंड से आप हील होना चाहते हो ना वो सेम चीज वापस अगर आपको फील नहीं करनी है तो आपको अभी 2023 की शुरुआत से खुद को प्रेम करना शुरू करना है सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू करना है आज से अभी से सेल्फ लव ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो कि आप खुद के बारे में क्या क्या पसंद करते हो क्या क्या चीज़ें हैं जो भाड़ में गए लोग जो भी बोलते हो बट आपको बेस्ट लगती है वो चीज़ रोज रात को डिटेल में भले एक ही चीज लिखनी है मैं आपको दस लिखने को नहीं बोल रही हूँ रोज रात को वो एक चीज लिख के महसूस करनी डिटेल में सिर्फ एक लाइन नहीं आई लाइक माई आईज नो वाई डू यू लाइक योर आइज क्यों इतनी खूबसूरत है वो आपको क्यों अच्छी लगती है वो आपके लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है वो खुद के बारे में बहुत सारी तारीफ करके सोना है ये है आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस और सिर्फ अभी के लिए नहीं इस पूरे साल में जब तक आप खुद से पक्का से प्रेम नहीं करने लगो तब तक जब तक वो सेल्फ लव अंदर सेट नहीं हो जाए तब तक आपको सेल्फ लव ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू टूडे एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सच में आप वो लैक ऑफ सेल्फ लव फील कर रहे थे सच में आपको जरूरत थी खुद से ही खुद को ये कहने की यार यू आर द बेस्ट यू इट्स ओके यू आर एनफ

एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन स्टे हैप्पी स्टेबले एंड स्टे कनेक्टेड वेट जाने के पहले एक अमेजिंग सा सेल्फ लव के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है सेवन टिप्स थ्रू विच यू कैन इजिली लव योर सेल्फ तो वो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है